शिमला मिर्ची, कोथमीर, प्याज, टमाटर भेजा। सड़ा गया सा टमाटर है। पंद्रह सोलह साल का गवाही भी तमाम दबावों के बीच लड़ा। आज की हिंसा के स्तर से आपको समझ जाना चाहिए कि उन दो लड़कियों पर क्या गुजरी होगी। ये तस्वीर रामचंद्र छत्रपति की है, जिन्होंने दैनिक पूरा सच में उस दुकान पत्र को छापा जिसमें दो साथियों के साथ बलात्कार और यौन हिंसा की बात लिखी थी। ये गुमनाम पत्र उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचा और हरियाणा पंजाब बोर्ड के चीफ जस्टिस के पास। बाद में उन्होंने शिक्षा के प्रशासन कोर्ट को दिया कि आप आज जाकर जान के टीचरों का रिपोर्ट भेजा कि इनके डर से कुछ नहीं बोलता। काफी के कुछ ही समय भीतर छत्रपति जी पर हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। दो साथियों को रंजीत की हत्या कर दी गई। एक पत्रकार ने सच के लिए जान ले ली। क्या आप किसी भी नेताओं को जानते हैं जो वोट लेने के लिए घेरा में जाते हैं, उनको पहले छत्रपति की लड़ाई में साथ देने के लिए गए हों? हमने छत्रपति के खुद अर्जुन छत्रपति से थोड़ी देर पहले बात की, जो इस वक्त अपनी सुरक्षा को लेकर काफी डरे हुए हैं। तस्वीर रामचंद्र छत्रपति की है। एक हंसा मुस्कुराता साहसिक पत्रकार जिस शहर में मार दिया गया। अर्जुन ने बताया कि एक बार जब लड़ने का फैसला कर हम लोग घर से निकले तो रास्ते में बहुत से अच्छे लोग मिले। लेखराज धोन, अश्विनी पक्षी, आर्य सीमा और राजेंद्र सत्या जैसे वकीलों ने बिना पैसे के केस लड़ा और तमाम दबावों को बाद भी हमारा और साथियों का इन लोगों ने साथ दिया। यही नहीं, सीबीआई के जांबाज डीएसपी सतीश जागर ना होते तो ये केस अपने मुकाम पर नहीं पहुंचता। सतीश जागर ने ही साथियों को मानसिक रूप से तैयार किया। एक लड़की का ससुराल डेरा का समर्थक था। जब उसे पता चला कि उसने गवाही की है तो घर से निकाल दिया। इसके बाद भी लड़कियां तमाम तरह के दबावों और भीड़ के दौर का सामना करती रही। उस भीड़ के जिसके आगे आपकी चुनी हुई सरकार डरती है। सतीश जागर नहीं होते तो ये लोग खौफ का सामना नहीं कर पाते। अंजुल ने बताया कि सतीश जागर पर भी बहुत दबाव था अगर ये नहीं चुके। अगर ऐसी बात है तो एबीसी टीवी इंडिया के करोड़ों दर्शकों की तरफ से सतीश जागर जैसे अफसरों को दिल से सलाम भेज रहा हूँ। बड़े बड़े आईपीएस ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाते।